लॉट्स शूज एंड बैग्स पेश करते हैं कंप्लीट कलेक्शन, सैंडल्स, शूज, हैंडबैग्स, ट्रैवल बैग्स भी, फैंसी डिजाइन, हाई हील्स, कैजुअल, ऑफिस वेयर, डेली वेयर। लॉट्स शूज एंड बैग्स सेल्फ मैन्युफैक्चर है अफोर्डेबल प्राइस के साथ अप टू 50% डिस्काउंट। तो आज ही आए लॉट्स शूज एंड बैग्स। किसका टैक्स है सब तो कलवा भास्कर नगर पौन पाड़ा अनलीगल है, तोड़ो ना, कहाँ तक तोड़ोगे? हम लोग क्या गुनाह किए थे? इलेक्शन आता है 200-200 रुपया देते हो, हम लोग लेडीज निकालते, वो 200-200 लेडीज लोग को दे के प्रचार को घुमाते, हजार लेडीज, तब देखती है हेमा, फिर बांधेंगे और रहेगा तो महिला ही मंडल ऑफिस रहेगा, नहीं तो यहाँ पर कुछ हम लोग रहने नहीं देंगे। मैं हूँ फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। इस वक्त मैं जो है कलवा के पौन पाड़ा में हूँ। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये एक महिला मंडल की कार्यालय था यहाँ पर, और ये महिला मंडल का कार्यालय अब नहीं है, दरअसल ये टूट चुका है। ये क्यों टूटा है, किसके मार्गदर्शन में टूटा है, कौन इसका जो है महिला मंडल का जिम्मेदार है, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिसका नाम हेमा जो है, नाम है हेमा मैडम है, महिला मंडल चलाते थे वो। हम उनसे जानते हैं कि आखिर इनका जो है जो कार्यालय कई सालों से चल रहे थे, ये अचानक में कैसे टूटा, क्यों टूटा, क्या जानकारी उनके पास है, क्या देंगे वो, हम उन्हीं से जानते हैं। हेमा मैडम, सबसे पहले आप ये बताइए जो है ये ऑफिस जी सर कितने सालों से चला रहे थे, और यहाँ पर जो है महिला मंडल की जो ऑफिस थी, यहाँ पर किस तरह से आप लोग काम कर रहे थे, और किसने आपकी कार्यालय को तोड़ दिया? ये ऑफिस हो गया 4 साल बांध के। जब हम लोग ऑफिस बांधे तो उस समय किसी पार्टी का नहीं था, इलेक्शन था। तो हम लोग जब ऑफिस बांधे तो बोले मिलिंद दादा से कि दादा हम लोग ऑफिस बांधने जा रहे हैं, आप थोड़ा सा प्रभाग समिति से सपोर्ट करिएगा कि वहाँ पे ऑफिस हम लोग बांधे तो कोई तोड़ने के लिए मत आए। तो वो क्या बोले, ठीक है आप जाइए बांधिए, जो सपोर्ट लगेगा हमसे, जो हेल्प चाहिए मैं करेंगे, आप बांधिए। कितने लोग मिलकर जो है इस ऑफिस को बनाया था और कितने लोग चला रहे थे? इसमें कम से कम 3 लेडीज थी, हम लोग 3 लोग लेडीज ने पैसा डाला। तो फिर ये अपना बनाए, फिर उससे थोड़ा सा जो लीलमा सितौले है उससे थोड़ा सा अपना बातचीत नहीं था। लीलमा सितौले कौन है? ये राष्ट्रवादी का कार्यकर्ता है। अच्छा। तो उससे थोड़ा बातचीत नहीं था, तो अवार्ड मैडम के पास गई, बोलती कि ऐसा है कि वो आप अपने ताबे में ऑफिस ले लो, वो अपना पार्टी का ऑफिस रहेगा। क्या कि उदय को भेजी अपने ड्राइवर को, उदय ने आया तो मेरे हमारे जो बड़ी सीनियर एक बुत्तल मैडम जो हैं, इनसे बोले कि जरा ताला खोलिए, मुझे ऑफिस देखना है। तो ये ताला खोली, उस समय हम लोग थे नहीं, ये ताला खोली तो जब बोला कि मुझे रिकॉर्डिंग निकालना है इसका वीडियो, बोले ठीक है निकाल लो। उसके बाद वीडियो निकाले, उसके बाद जब बाहर निकले तो क्या बोलते हैं कि मैडम बोली हैं अपना ताला मारने के लिए, तो अपना ताला लगा दिए 13 मार्च को ताला लगा, 13 मार्च को ताला लगा। उसके बाद मैं मैडम को, मुझे पता चला तो मैं मैडम को कॉल किया कि मैडम ऐसा क्यों कर रही हैं, तो बोलती कि क्या हुआ, कौन बोल रही हो? तो मैं बोली हेमा बोल रही हूँ कलवा भास्कर नगर से, और आप ताला क्यों लगवाएं। तो क्या बोली कि तुम लोग का है क्या ऑफिस? मैं बोले हाँ मैडम हमारा है ऑफिस, हम किसी पार्टी का ऑफिस नहीं बने हैं, हमारा महिला मंडल ऑफिस है, हम लोग मिल के खर्चा किए, तो आप उसमें क्यों ताला लगा रही हैं? बोलती ज़्यादा बोलने का नहीं, अगर ऑफिस खड़ा करना है ना उधर तो ताला लगा है ना, तो लगने देने का, ठीक है ना। कि तुम ये कितने दिन की बात हो गई ये बोलकर? ये 13 मार्च को, हाँ 7 महीना होने का आया, मैं उसी समय बोली थी, लॉकडाउन में 13 को लगा और 14 को मैं उनको कॉल की, तो उसी समय क्या बोलती है, अगर ऑफिस खड़ा करना है ना उधर तो ताला लगने दो, मैं माई को बोल के रखा हूँ, ठीक है। तो मैं बोले क्यों, वो तो हमारा महिला मंडल ऑफिस है, आप क्यों ताला लगाई हैं? तो बोलती है कि नहीं तुम्हारा है क्या, कितना डाली हो? तो मैं बोली 40,000 डाली हो, मैं ईमानदारी से बोली 40,000। तो बोलती चलो आओ कल और 40,000 लो और निकल पड़ो वहाँ से, ऐसा बोले हैं वो? हाँ, मेरे पास आपके पास रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं रखी हूँ। तो उसके बाद फिर हम 2-4 बार महेश सालवी दादा जो है राष्ट्रवादी के, उनको मैं बोले कि दादा हम लोग आप को जब चुनाव आता है, इलेक्शन पड़ता है, तो आप लोग आते हो कि मुझे इतना लेडीज का, इतना लेडीज दो, इतना वोट दो, इतना गली हेल्प करो, सपोर्ट करो, तो हम लोग करते हैं। तो आज करने का वजह क्या, मुझे यही सजा मिला, हमारे औरतों पर अत्याचार हुआ,
तो बोलते हैं नहीं ओहिनी के खिलाफ मत बोलो, मैं ओहिनी के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते। हम कहें क्यों? बोलते हैं रिकॉर्ड हो रहा है। हम कहें रिकॉर्ड होने दो ना, हम कहाँ ओहिनी को गलत बोल रहे हैं, वार्ड मैडम को कहाँ गलत बोल रही हूँ, सुना देना रिकॉर्ड, मुझे टेंशन नहीं है गलत बोली हूँ तो। जब महिला मंडल ऑफिस है, पैसा मैं डाले बाने हम लोग, आप लोग उस पर हावी हो गए तो हम लोग हावी होने देंगे तो बोल। लेकिन जब ये आप ऑफिस बना रहे थे तो उस टाइम में जो है आपको सपोर्ट किसने किया था? एनसीपी के लोगों ने किया था। एनसीपी के लोगों ने मिलिन दादा से हम लोग जाके मिले कि दादा हम लोग ऑफिस बांध रहे हैं, थोड़ा आप सपोर्ट करिए। जब उन लोग, फिर जब ये सब हो गया उनके सपोर्ट से आप लोगों ने ऑफिस बनाया, तो ये मतलब ये मामला कहाँ से बिगड़ा? घर का मैटर सहेली सहेली में थी। वो लीलमा जो शितोले है ना, इनसे उनसे बातचीत नहीं था, ये मैडम से वो आपके जो साथी है, मतलब साथ में महिला मंडल चलाते हैं वो लीलमा शितोले, तो हम लोग उससे बोले तो बोली कि नहीं पार्टी लेवल का नहीं, ये तो महिला मंडल का ऑफिस है, कार्य करते हैं वो, क्या बोलते हैं सेक्रेटरी है वार्ड मैडम की, थाने के अध्यक्ष है बोलती है, वो उन्हीं को भेजती है, दो तीन बार उन्हीं को भेजी और बोलती है कि जब ये लोग इन लोग को बुलाते हैं ना, जब दोनों को बुलाते हैं लीलमा शितोड़े को और ये मैडम को अवार्ड मैडम बुलाती हैं तो हमको नहीं बुलाती हैं, क्यों? जब इन लोग की मीटिंग होती तो मुझे नहीं बुलाती, मेन तो मैं हूँ, शुरू से लास्ट तक मैं हूँ। मतलब ये ऑफिस का मेन आप है? हाँ। आपके पास सब कुछ है पुरावा? हाँ हाँ, लाइट का बिल है, अध्यक्ष ये है, लाइट का बिल है। मैं जैसे जब ऑफिस बन रहा था ना तो 9 बजे सुबह से काम के लिए यहाँ 9 बजे 8 बजे रात तक मैं रहती थी। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि रूता अवार्ड मैडम ने आपकी ऑफिस तोड़वा दी, आप कैसा कह सकते हैं? अरे बोला हम लोग, बोला ना कि अगर नहीं बोले ना कि अगर ताला ना लगने दो, नहीं तो अगर ताला ज्यादा ये करोगी ना तो मैं ऑफिस तोड़वा देंगे। फिर मिलिन दादा से मिले तो मिलिन दादा क्या बोलते हैं कि आप लोग तीनों पैसा, अभी आपने आशंका जताई, मतलब उनके बोलने पे टूटा है। हाँ, हाँ हकीकत है, ये हकीकत है, क्योंकि हम लोग मिल चुके, ये बात आगे तक अवार साहब के पास गए 2 बार, वो क्या बोलते हैं कि ठीक है मैं मैडम बाहर गई हैं, आने दो मैं बात करते। लेकिन आप शिवसेना में है और लीलमा शितोले वो एनसीपी से है, हाँ। तो आप जो है आपके पार्टी के जो अधिकारी हैं, जो आपके मेन जो नेता है एकनाथ शिंदे साहब, खासदार साहब, इनसे आपने क्यों नहीं मिले, इनको क्यों शिकायत नहीं की? मिले थे, हम मंत्रालय तक गए, तो बोले कि हमारे शिंदे साहब वहाँ पर मिले, बोले कि ठीक है मैडम मैं उनसे बात करते अवार साहब से कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसके बाद फिर हम दोबारा निकल वहाँ से आए, फिर मुझे नहीं मालूम वो कॉल किए साहब से, अवार साहब से बात किए कि नहीं किए। फिर मैं श्रीकांत शिंदे साहब को कॉल की 2-3 बार, तो दिल्ली में बोले वो कि सभा चालू है, मुझे दिल्ली से आने दो तो आप लोग आइए मिलिए। तो अभी जब तक वो उसके बाद फिर हमारे श्रीकांत शिंदे साहब को वो क्या बोलते हैं ट्रेन में है, इनका जब ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग चलेंगे मिलेंगे और देखेंगे क्या इसका इंसाफ दिलवाते हैं। हम तो उस पार्टी के हैं ना, हम तो शिवसेना का कार्य करते हैं ना, तो हमारे पर ये एनसीपी वाले पार्टी इतना अत्याचार क्यों किए, हमको इसका इंसाफ चाहिए। अच्छा, ये जो है ये जो तोड़ा गया, ये कब तोड़ा गया और किसने तोड़ा? गुरुवार को 3 बजे महानगर पालिका ने, और उसमें वो उसके कार्य करते हैं राष्ट्रवादी का, वो उसका नाम क्या है, नहीं नहीं वो जो आया था साथ में, संकेत आया था, संकेत आया था। अच्छा, हाँ, वो राष्ट्रवादी का कार्य करते है, ये लोग मिलकर आए थे यहाँ पे तोड़वाने। हाँ, वो साथ में आया था, महानगर पालिका के साथ में आया था। अच्छा, वो राष्ट्रवादी कार्यकर्ता साथ में आया था। अच्छा, इसलिए आप लोग अंदेशा लगा रहे कि मतलब कि एनसीपी नहीं तोड़वाया? हाँ, पूरा भरोसा है कि वही तोड़वाया। हेमा मैडम, अब जो है ये ऑफिस तो टूट गई है जी सर, अब उसके बाद अब आपका अगला कदम क्या होगा, मतलब अब आप कहाँ कहाँ जाएंगे, किस किस का दरवाजा आप खटखटाएंगे? हमको जहाँ से इंसाफ मिलेगा वहाँ तक मैं जाऊंगी, मुझे इस चीज का इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि ये सारा सर गलत हुआ है औरतों पे। जब इलेक्शन आता है तो बरोबर चुनते हो औरतों को, अगर ये ऑफिस आपके पार्टी के ताबे में नहीं दिए तो इसके लिए तोड़वा दिए, घर तोड़वा देंगे। तैयार थे, फिर भी हम लोग सब कुछ माने, बोले दादा कि हाँ, मिलिन दादा बोले कि बोर होगा, हम लोग बोले बोर नहीं करने देंगे, पुलिस चौकी छोटा बना दो, गुंडागर्दी ज्यादा होती है, दादागिरी ज्यादा होती है, दलाली गिरी ज्यादा होती है, ठीक है, लुक्खा मारपीट ज्यादा होती है, छोटा चौकी बनाने के लिए हम लोग दे देते हैं। मतलब आपने ये जगह को उनके पार्टी के ताबे में ना देते हुए आप पुलिस चौकी को ताबे में दे रहे थे। फिर क्यों बात नहीं बनी? तो हमको मैसेज नहीं दिए कि हम क्या बात करके क्या क्लियर किए क्या नहीं, कुछ नहीं। उसके 4 दिन के बाद तड़ा तोड़ भेज दिए म्युनिसिपैलिटी को।
साथ में उनका एक जो ऑफिस में काम करता था वो भी आया साथ में। तो जब हम लोग रोकने के लिए आ रहे तो बोलती ले चलो चलो इधर से, टैक्स है क्या? अरे हम पूछ रहे हैं ना, जो हमारे एरिया का नगर सेवक और नेता हो, किसका टैक्स है? सब तो कलवा भास्कर नगर पौन पाड़ा अनलीगल है, तोड़ो ना, कहाँ तक तोड़ोगे? ये भी तोड़ो, इतना दूर क्यों छोड़े? तोड़ो, पूरा तोड़ो, ये क्यों छोड़ो? इसको छोड़े क्यों? हम लोग ने क्या इधर ही का तोड़ने का था? हम लोग क्या गुनाह किए थे? इलेक्शन आता है, 200 रुपया देते हो, हम लोग लेडीज निकालते, वो 200 लेडीज लोग को देके प्रचार को घुमाते, हजार हजार लेडीज, तब दिखती है हेमा, तब बरोबर आके मेरे घर में बैठते हो, तब हेमा दिखती है, तब पार्टी लेवल नहीं देखते हो? हमें वो भी तो देखो ना कि हम लोग तो विरोधी भी नहीं किए आपके साथ, कभी इलेक्शन में सामने सामना खड़ा भी नहीं हुए। हम लोग ये फिर बांधेंगे और रहेगा तो महिला ही मंडल ऑफिस रहेगा, नहीं तो यहाँ पर कुछ हम लोग रहने नहीं देंगे, आंदोलन करेंगे, जान भी देंगे और इसके ऊपर जो हम लोग को जो होगा वो देखेंगे क्या होता है आगे। और हमारे जान का खतरा है एनसीपी पार्टी से, क्योंकि उनके जो उनके करते हैं उनके पार्टी का, ठीक है, तो वो सब अच्छा करते हैं, सब अनलीगल करते हैं, और हम लोग इतना बड़ा गुंडे थे जैसे जैसे कि ये वैसे हम जब ये अनलीगल किए, उनके पार्टी का कार्य करते, एक मनसे का ऑफिस था वो भास्कर नगर में, वो हड़प के राष्ट्रवादी का ऑफिस बना दिए, वो इंसान रोते रोते चला गया, अब इस पे हाथ लगाए थे। और जाओ देखो भास्कर नगर में एनसीपी का ऑफिस है, वहाँ होटल खुला है, जाके देखो। हम लोग तो कुछ भी नहीं किए, हम 10 लेडीज डेली हम लोग मीटिंग करते हैं, मीटिंग रखते थे, किसके घर में जाएंगे मीटिंग कर? हम लोग को पार्टी का ऑफिस नहीं है, हमारे पास पार्टी का ऑफिस नहीं है, लेडीज के लिए था हम लोग का। एक मिनट, जब जब ये जब 7-8 साल पहले हम खुला था, क्यों नहीं बनाए, क्यों नहीं अपने ताबे में लिए? हम लोग 1-1 रुपया बचा बचा के पसीना गरा बहा बहा करके पैसा रखे थे, मेहनत करके लगाए, तुम्हारे साथ सपोर्ट करने का इंसाफ मुझे यही दिए। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये बावड़ी पे बनी है आपकी ऑफिस? बावड़ी पर तो ये बावड़ी दिखा जब 4 साल हो गया बनाते, उस समय बावड़ी नहीं थी, उस समय तोड़वा दिए होते, उस समय भेजे होते महानगर पालिका को, बनने नहीं देते, नहीं बनने देना चाहिए। ये सवाल वाकई में बड़ी है कि जब उस टाइम जब बन रहा था तभी जो है शासन प्रशासन नेता जागना चाहिए, उन्हें उसी टाइम रोकना चाहिए। बहरहाल इसी तरह से बहुत सारी ये पूरा इलाका ही दिख रहा है और ये ऑफिस कार्यालय सब चीज से लगकर है। अब जैसा कि बता रहे थे कि बावड़ी पर है, तो बावड़ी यहाँ पर नहीं है, बावड़ी यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे है वो जो रोहन प्लस वन पे है, वहाँ पे बावड़ी थी, बावड़ी यहाँ पे नहीं थी, यहाँ पे बावड़ी नहीं है। और जब जो आज बावड़ी दिख रही है ना, तो हम आपसे करते हैं, आपसे मिनत करते हैं, आपसे ये करते हैं हाथ जोड़ के कि आप बावड़ी के जगह भास्कर नगर पौन पाड़ा निकालिए। देखिए कोई गाना बनाया है, कोई मोबाइल का दुकान खोला है, कोई पानी पूरी का दुकान, कोई रूम बांधा, वो नहीं है बावड़ी, प्रशासन का काम है ना। और हम लोग कौन सा बिजनेस किए थे? हम यहाँ पर अध्यक्ष जी भी है इस जो महिला मंडल के, उनसे भी जानते हैं कि आखिर में ये कैसे हुआ, मतलब ये कैसे टूटा, इसकी षड्यंत्र पीछे जो है किस तरह से हुई। यहाँ का जो गुरुवार को गुरुवारी आम्ही अचानक जेवायला बसलो होतो घरी, आणि हे सगळं जे हेमा मॅडम बोलली त्याच्यामधून हे सगळं मी तर थोडं थोडं बोलते। गुरुवारी अचानक मध्ये ही लोक तोडायला आलेली महानगरपालिकेची जो खरात म्हणून अधिकारी आहे, तोडायला आला आम्ही घरी घरातच होतो, बाहेर कोण नव्हतं, आणि तोडायला गेलं त्यांनी डायरेक्ट ताळाबिळं तोडलं, मीटर काढले, पंखे जे होते ते काढले। ह्याच्यानंतर आम्हाला 15 मिनटानंतर माहिती पडलं, जेव्हा आवाज आला तेव्हा बाजूवाली लोकं जे आहेत ते आम्हाला सांगायला आली की माई आपलं ऑफिस तुटतंय म्हणून तिकडे, तेव्हा आम्ही म्हटलं अचानकमध्ये काय झालं बघायला आलो, तर खरातनी पूर्ण सगळं पोरांना अतिक्रमणवाली पोरं घेऊन येऊन तोडायला लावलं होतं। त्यांच्या राष्ट्रवादी ऑफिसमधला एक संकेत होता तो आला होता, आणि पोलीस प्रोटेक्शन घेतलं होतं त्या लोकांनी खरातनी, आणि आम्ही त्यांना विचारला, जाब विचारला, आम्ही व्हिडिओ केला आहे त्याचा जाब विचारला त्याला की हे तुम्ही कोणाच्या ज्याच्याने सांगण्यावरून तोडायला आलात, तर ते बोलले आम्हाला इथं काय विचारू नका, तुम्ही डायरेक्ट आयुक्त आहे त्यांना भेटायला जावा, बोरसे साहेब म्हणून आहेत त्यांना विचारा जाऊन। आम्ही म्हटलेलं ठीक आहे, आम्ही त्यांना विचारतो, पण तुम्हाला नोटीस कोणी, तुम्हाला अर्ज दिला का कोणी तोडायला, या तुम्हाला कोणी सही आणून दिल्या काय, आहे काय, तुम्ही कशाच्या जीवावर आलात, नाही तुम्हाला कोण बोललं, हे तुम्हाला काही सांगायला तयार नाही। आम्ही विचार केला चला हे काय सांगत नाहीत ना, आता अर्ज तर तोडली नव्हतं त्याने, आम्हाला माहीत नव्हतं। त्याच्यानंतर आम्ही गेलो महानगरपालिकेमध्ये, 5 वाजता गेलो, 5 वाजता गेल्याच्यानंतर बोरसे साहेब जे होते ते नव्हते त्याच्यामध्ये, ते बोलले आम्ही विचारपूस केली तिकडे, तर ते बोलले साईटवरती गेलेत, साईटवरती गेल्याच्यानंतर मग ते बोलले यायला त्यांना टाईम सांगू शकत नाही,
ठीक आहे, आम्ही म्हटलं दुसऱ्या दिवशी आम्हाला भेटतील का, तर बोलले ठीक आहे तुम्ही दुसऱ्या दिवशी या शुक्रवारी. आम्ही शुक्रवारी गेलो तिकडे, 11:30 दरम्यान आम्ही तिकडे गेलो. बोरसे साहेब होते तरी पण आम्हाला ते भेटले नाही. आम्ही तिथे अर्धा तास हंगामा केला. शेवटी एक सामनीचं कॅबिन होते महेश म्हणून आहे, ते जाऊन त्यांना बोरसे साहेबांना भेटून आले. त्याच्यानंतर त्यांचं आतमध्ये काय बोलणं झालं हे आम्हाला काय माहीत नाही. किन ये जो तोडने से पहले आप लोग रूता अवार्ड मैडम से मिले थे, क्या क्या मामला सामने आया, क्या मामला सामने आया? उनसे मैं मिली थी, उनके मैं बात बोली. वो सामने वाले की बात बोल रहे, वो बोलते वो जूनी है. आप एक बार मिली थी तो उन्होंने पहले क्या किया, जब ऑफिस इलेक्शन था, जब अवार्ड साहब का इलेक्शन था, तब उन मैडम क्या बोली, शितोळे तू जो ऑफिस है भास्कर नगर में, भास्कर नगरला ते सांभाळ. आणि मला बोलली की माई तुम्ही भास कोणपणे सांभाळा. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये वर्ष चांगला गेला. आणि अचानकमध्ये ह्या लेडीजनी जाऊन मॅडमला खोटं खोटं काय काय कारणं सांगून, मॅडमनी ते ऐकून मला सांगितलं तिथे पार्टीचं ऑफिस राहील, तुम्ही कोणीच तिथे काय आपलं स्वतःवरती घेऊ नका कुठली गोष्ट. मी मॅडमला म्हटली पार्टीचं कसं राहील, ती सांगायला लागली, म्हणायला लागली तुम्ही हाडपून घेण्याच्या भांडगणीमध्ये. आणि जर मला हाडपून घ्यायचं असतं तर मी ह्या लोकांना कशाला घेतली असते त्याच्यामध्ये. महिला मंडळ ऑफिस आहे तो पार्टी का बॅनर नाही लगा सकते हम. हम कोई पार्टी का बैनर नहीं लगाएंगे, हमारा महिला मंडल ऑफिस है तो वही ऑफिस ही रहेगा, हम लोग अपना बैनर. इसी जिद में टूट गया, इसी जिद में टूट गया. बोले मेरे दादा से भी बोले कुछ नहीं है तो हम लोग का कम से कम हम लोग बोलते थे अगर उनको पानी का सब बनाने का था, कुछ भी बनाने का था, तो जगह थोड़ी बड़ी थी, आप बढ़ा सकते हैं. हम एक जगह पे महिला मंडल का ऑफिस भी कर सकते हैं, थोड़ी जगह भी. लेकिन उन्होंने कुछ हमें खबर नहीं दिया, बोले थे कि मैं वो लेडीज से बात करता हूँ और आपको बताता हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं. ये डायरेक्टली आए तोड़ने के लिए, तो अब हमारे महानगर पालिका को यही पूछना है कि डायरेक्टली वहाँ पे तोड़ने के लिए आए कैसे, ये जवाब हमको चाहिए. और जो अधिकारी आए पिछले 6 महीने से ये मामला, 6 से 7 महीने से 8 महीना टोटल 8 महीने से ये जो है मामला चल रहा है, इस ऑफिस को लेकर जो है माहौल गर्म है. तो इस बीच आपने कहां कहां पर गए थे, किस किस के जो है पास लेटर दिया था, किस किस से? सर अभी तो किसी के पास नहीं गए, सिर्फ अवार्ड साहब के पास गए. दो चार बार गए तो 2 बार मिले, एक बार सिंधे साहब और एक बार अपने साहब श्रीकांत सिंधे साहब के पास गए. 2 बार गई मैं, खुद गई थी रूता अवार्ड मैडम के पास. 2 बार मैं 2 बार गई थी. क्या रिजल्ट आया था? दो ही बार उन्होंने मुझे मेरी बात नहीं मानी, खाली उसी की बात मानने से बात उसी पे करती थी कि वो जूनी है, उन्होंने प्रेजेंसी भी खड़ी की है. तो पहले टाइम पे हम लोग ने पूरा इतना किया, सब कुछ किया था, तो उन्हीं के अकेले के ऊपर साहब जीत के आए थे क्या? वो बात नहीं, वो तभी तो पहले शिवसेना में वो भी थी, हम लोग भी थे. वो लेडीज किसी के घर में घुस के मारती है, उस लेडीज की गुंडागर्दी है यहाँ पे तोड़ने की, और उसके चौकी में रिकॉर्ड निकाल लो उसके नाम से. 2-3 एनसी भी है, इतना गुंडा हम लोग के नाम से निकाल लो, एनसी उसके नाम से निकाल लो, देखो कितना गुंडागर्दी करती है. इनके पार्टी में सिर्फ गुंडागर्दी चाहिए, अच्छे लेडीज, अच्छे सोशल वर्कर नहीं चाहिए, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो. तो आपने सुना जिस तरह से ये महिला मंडल के लोग जो यहाँ पर अध्यक्ष हैं और हेमा मैडम हैं, ये लोग जो है आरोप लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि पिछले लगभग 8 महीने से इस ऑफिस को लेकर इशू चल रहा था, माहौल गर्म था. और जो अपोजिट पार्टी है, जो एनसीपी की बताया जा रहा है कि रूता अवार्ड मैडम यहाँ पर पार्टी का कार्यालय बनाना चाह रहे थे, ये हेमा मैडम का कहना है कि यहाँ पर पार्टी कार्यालय बनाना चाहते थे. और हेमा मैडम का कहना है कि मैं यहाँ पर महिला मंडल था, महिला मंडल ही बनेगा, महिला मंडल ही रहेगा, इस तरह के इनके कहने हैं. तो बहरहाल जो है अब यह ऑफिस टूट चुकी है, किस वजह से टूटी है वो उन्होंने बताया है, हेमा मैडम ने, कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जो है यह ऑफिस टूट गई है. और जो उनकी मांग है कि यह ऑफिस जो टूटी हुई है, हम फिर इसी ऑफिस को बनाएंगे और फिर हम महिला मंडल चलाएंगे. हालांकि जिस तरह से हेमा मैडम ने जो है आरोप लगाया है, बताया है कि कर्ता आया था और उसने बताया और ठाणे महानगर पालिका यहाँ पर सीधा सीधा तोड़ दिया कर बिना नोटिस के. और हम जो है अगर इस मुद्दे पर रूता अवार्ड मैडम अगर हमसे बात करेंगे तो हम उनका भी पक्ष रखेंगे, आखिर ये जो आरोप लगा रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत है. तो इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स.